हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टॉकहोम और सामियों के बीच में होने वाले 13-3-10 मैच के बारे में। और ये मैच नॉर्सबर क्रिकेट ग्राउंड स्टॉकहोम में खेला जाएंगे। और ये फैन कोड इसी स्टेट स्वीडन का 2021 का है फ्रेंड्स। यहाँ पर डेट एंड टाइम की बात करें तो ये मैच भारत के टाइम के अनुसार 12:30 बजे दोपहर में होने वाला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जब भी आप स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग और हेड टू हेड जब भी आप खेलते हो तो फ्रेंड्स आपको मेन मोटिव होता है कि यहाँ पर मैं सारा लीग्स मैं जीतूँ। लेकिन यहाँ पर आपको प्रॉपर स्टैट्स के बिना आप नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि आप अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन पता नहीं रहेगा तो आप नहीं जीत पाएंगे। एक दो बार हेड टू हेड आप जीत सकते हो, वो लक्की से फ्रेंड्स। लेकिन जब तक आपको ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं पता रहेगा तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप कोई भी लीग, यहाँ पर स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग और हेड टू हेड कोई भी लीग आप नहीं जीत सकते हो। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरी वीडियो को पूरे एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा फ्रेंड। पिच की बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पिच बॉलर्स के लिए सपोर्ट करने वाला है। तो यहाँ पर एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 80-90 रन तक बनने वाला है। फेस बॉलर्स को यहाँ पर 86% और स्पिन बॉलर्स को यहाँ पर 14% यहाँ पर सपोर्ट मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर इकोनॉमी की बात करें तो फेस बॉलर्स की 9.84 रन पर ओवर और स्पिन बॉलर्स की 9.80 रन पर ओवर है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो इन दोनों टीम की फॉर्म की बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टॉकहोम ने यहाँ पर लास्ट 4 मैचेस में 3 मैच हार गए और 1 मैच टाई हुआ फ्रेंड, यहाँ पर देख सकते हो। वही स्टॉकहोम की बात करें तो अमियों की बात करें तो 3 लॉस एंड 1 टाई है। ना स्टॉकहोम की बात करते हैं, यहाँ पर 3 लॉस है फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 विन है। तो देखा जाए तो इस टीम की फॉर्म अच्छा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको अभी मैं पॉइंट्स टेबल एक्सप्लेन करने वाला हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो स्टॉकहोम की बात करते हैं, यहाँ पर तीसरा पोजीशन पे फ्रेंड्स, 5 मैच में 2 मैच जीते हैं और 3 मैच हार गए। और रमियों की बात करते हैं, अभी तक 4 मैच खेले फ्रेंड्स, 4 के 4 मैच हार गए हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो स्टॉकहोम के रिकॉर्ड्स अच्छा है, रमियों टीम ने यहाँ पर लगातार हारते आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको अभी मैं स्टार्ट्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इससे पहले आप एक बार कैप्टन वाइस कैप्टन को देख लीजिएगा यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप जो भी लीग खेलते हो, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, हेड टू हेड, ये सारा प्लेयर्स को आपको कैप्टन वाइस कैप्टन में रिपीट करना। पहला प्लेयर है शलिंद्रा, मुस्तफ़ा, डी सिंह, वाइजा, अर्सी और अब्रार है फ्रेंड। यहाँ पर ये 6 प्लेयर्स को आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन में रिपीट करना, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग और हेड टू हेड में। तो फ्रेंड्स, अभी आपको मैं स्टैट्स दिखा देता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, आपको आगे स्टैट्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टार्ट्स की बात करते हैं, यहाँ पर अर्शलन वाइजा ने यहाँ पर 2 मैच में 112 रन बनाए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर विनोद चलिंद्रा ने 5 मैच में 75 रन, शिवा अर्शी ने 3 मैच में 55 रन, अंकित तिवारी ने 3 मैच में 33 रन बनाए और यहाँ पर अभिषेक मथुर ने 1 मैच में 32 रन, मनोज तोमर ने 4 मैच में 27 रन, प्रवीण नटराजन ने 2 मैच में 22 रन बनाए, कौशिक वत्स ने 1 मैच में 20 रन और उसके साथ साथ यहाँ पर ज्योतिमय साइकिया की बात करें तो 1 मैच 13 रन और यहाँ पर कुणाल पंचल ने 3 मैच में 13 ही रन बना पाए। और वहीं यहाँ पर अमियों की बात करें तो फ्रेंड्स इस प्रकार है। तो यहाँ पर अमियों ने यहाँ पर मजीद मुस्तफ़ा ने 4 मैच में 116 रन बनाए फ्रेंड्स। यहाँ पर अब्दुल्ला अबरार ने 4 मैच में 81 रन, आमिर हुसैनी की बात करते हैं 4 मैच में 47 रन, अर्शलन बाजवा ने 4 मैच में 24 रन, प्रदीप सिंह ने 4 मैच में 19 रन बनाए। उसके बाद यहाँ पर मोहम्मद अहमद ने 4 मैच में 17 रन, साहिद जुनैद ने 3 मैच में 8 रन, सुखबीर सिंह ने 2 मैच में 5 ही रन बनाए फ्रेंड्स। यहाँ पर कलयुग मियाँ की बात करते हैं, यहाँ पर 2 मैच में 2 ही रन है, यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर अभिज सईद ने 4 मैच में 1 ही रन बनाया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस टीम की कौन सी बॉलर अच्छा बॉलिंग किया, ये इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पहले हम स्टॉकहोम की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, दीप जगन सिंह ने 4 मैच में 5 विकेट लिए, मनोज तोमर ने 4 मैच में 4 विकेट, श्रीधर पोकारा ने 5 मैच में 3 विकेट, अविनाश उपाध्याय ने 2 मैच में 2 विकेट, हरलगन सांडू की बात करें तो 4 मैच में 1 विकेट, चेन्ना नेहली ने 5 मैच में 1 ही विकेट लिए। तो यहाँ पर संतोष चड्डलपल्ली ने 3 मैच में 1 विकेट, अश्लिन वाइजा ने 2 मैच में 1 ही विकेट, अभिषेक मथुर ने 1 मैच में कोई सफलता नहीं इनको मिला फ्रेंड। यहाँ पर हिमांशु पटेल ने 3 मैच में कोई विकेट नहीं लिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखा जाए तो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अभी हम टीम की बात करते तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हनी हसन ने 4 मैच में 3 विकेट, अब्दुल्ला अबरार ने 4 मैच में 2 विकेट, प्रदीप मिश्रा ने 4 मैच में 2 विकेट, कल्याण मियाँ की बात करें 2 मैच में 2 विकेट है फ्रेंड्स। यहाँ पर साहिद जुनैद की बात करें तो यहाँ पर 3 मैच में 2 विकेट है, अभिज सईद ने 4 मैच में 1 विकेट और आमिर हुसैनी की बात करें तो 4 मैच में कोई सफलता नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको मैं बैटिंग स्टैट्स और बॉलिंग स्टैट्स भी दे दिए और इसके साथ साथ अब आपको इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वो इन्फॉर्मेशन आपको मैं दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, पॉइंट्स टेबल आपको ऑलरेडी दिखा दिया। तो फ्रेंड्स, आपको विकेट कीपर में किस प्लेयर को लेना चाहिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं मुस्तफ़ा की बात करते हैं फ्रेंड्स, इनके एवरेज ड्रीम 11 पॉइंट्स पर मैच है फ्रेंड्स 49, और यहाँ पर मथुर की 29.2, साइकिया की 20.3 और यहाँ पर नाली के यहाँ पर 11.8, आप पी सिंह की बात करते हैं 11.5। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक विकेट कीपर काफ़ी है, वो है मुस्तफ़ा। तो यहाँ पर मुस्तफ़ा को मैं पिक कर रहा हूँ फ्रेंड।
तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पर बैट्समैन की बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं वाइजा की एवरेज ड्रीम इलेवन पॉइंट्स पर मैच है 100 फ्रेंड्स यहाँ पर लास्ट दो मैचेस से। तो यहाँ पर इस प्लेयर को आपको जरूर लेना, अबरार को भी ले लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इनकी एवरेज ड्रीम इलेवन पॉइंट्स पर मैच है 48.2। तो यहाँ पर ये दो प्लेयर को आपको 100% लेना, और एक एक्स्ट्रा बैट्समैन तो लेना। तो फ्रेंड्स आप पी नटराजन और यहाँ पर चलिंद्रा में दोनों में एक प्लेयर को पिक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं चलिंद्रा को भी ले सकता, नहीं तो नटराजन की भी ले सकता हूँ। तो फ्रेंड्स अब आ गई फ्रेंड्स यहाँ पर ऑलराउंडर्स की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप ऑलराउंडर में खास किसी का परफॉर्मेंस नहीं चला T10, मतलब यहाँ पर आपको पता है फ्रेंड्स ऑलराउंडर की परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए आपको यहाँ पर एक और दो प्लेयर को लेके जाना चाहिए। यहाँ पर हिच पटेल को मैं ले रहा हूँ और आरसी को मैं यहाँ पर पिक कर रहा हूँ, और बाकी कार्तिक जयचंद्रन की एवरेज ड्रीम इलेवन पॉइंट्स पर मैच है 23, जुनैद की 20.7, और यहाँ पर ए हुसैनी की बात करें 18.2 है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर गेंदबाज की बात करते हैं, यहाँ पर डी सिंह की एवरेज ड्रीम इलेवन पॉइंट्स पर मैच है 38.8, तोमर की 34, और मियाँ की 28.5, एम हर्षन की 21.8, और उपाध्याय की 21.8। तो फ्रेंड्स यहाँ पर डी सिंह को, यहाँ पर तोमर को आपको 100% टीम में रखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो भी है बॉलर स्टैट्स इंपॉर्टेंट मैं बता दिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब आ गए इन दोनों टीम की स्ट्रांग पॉइंट क्या है, तो दोनों की स्ट्रांग है फ्रेंड्स यहाँ पर बॉलिंग डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर अगर लास्ट दो साल से देखा जाए तो स्टॉकहोम ने 10 मैचेस में 3 मैच जीते हैं फ्रेंड, और 7 मैच हारे हैं, टाई भी हुआ था। तो इसमें अगर पहला बैटिंग करती है तो 50% जीतने की हाई चांसेस है, अगर यहाँ पर सेकंड बैटिंग करती है तो फ्रेंड्स यहाँ पर 17% जीतने की चांस है। तो इस पर टीम की बात करें तो 4 मैच में ना कोई स्टार्ट मुझे यहाँ पर मिला फ्रेंड, यहाँ पर देखा जाए तो स्टॉकहोम के 100% जीतने की चांसेस है। तो फ्रेंड जो कौन सी टीम जीतने वाली मुझे कॉमेंट करके भी आप बता सकते हैं, मेरी राय बात करते हैं यहाँ पर स्टॉकहोम जीतने की हाई चांसेस है। तो अब आ गए फ्रेंड्स यहाँ पर इन दोनों टीम के बीच हेड टू हेड 21 तारीख मतलब कल हुआ था फ्रेंड्स। यहाँ पर इस मैच में स्टॉकहोम ने अमियो को 8 विकेट से हरा दिया फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं स्टॉकहोम ने अमियो टीम ने यहाँ पर 129 रन और 121 रन फ्रेंड्स यहाँ पर दिखा रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पर स्टॉक भी अमियो पर 8 रन बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो स्कोर से अगर कंपेयर करें 120 नहीं, तो यहाँ पर यही टीम जीती, लेकिन यहाँ पर कुछ हुआ होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर सही इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं पूरे कवर कर दें। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर टीम भी बना के रख चुका हूँ, चलिए फ्रेंड्स आपको मैं टीम दिखा देता हूँ डायरेक्ट। तो फ्रेंड्स नेटवर्क थोड़ा स्लो है, वेट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप अभी हम टीम बना लेते हैं यहाँ पर डायरेक्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मैंने बताया मुस्तफ़ा को आपको यहाँ पर पिक करना, तो यहाँ पर मुस्तफ़ा को मैंने पिक कर लिया। अब आगे फ्रेंड्स यहाँ पर बैट्समैन भी कुछ प्लेयर को आपको लेना, वाइजिया को आपको लेना फ्रेंड्स, चलिंद्रा और यहाँ पर नटराजन दोनों में एक प्लेयर को लेना चाहिए। तो बाकी प्लेयर्स को हम देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं चलिंद्रा को पिक करता हूँ, और यहाँ पर मैं अंकित तिवारी को पिक कर लेता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं 3 बैट्समैन को लिया, और यहाँ पर बॉलर्स में देखा जाए तो यहाँ पर किसी भी खास प्लेयर की इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं है, तो आरसी को आपको पिक करना फ्रेंड। उसके बाद यहाँ पर आप चाहे तो यहाँ पर हैश जुनैद को आप पिक कर लीजिएगा फ्रेंड, नहीं तो हैश पटेल को भी आप पिक कर सकते हो दो प्लेयर को। तो फ्रेंड्स अब आ गए फ्रेंड्स गेंदबाजी में, आप डी सिंह को यहाँ पर पिक कीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ देखते हैं कौन सी प्लेयर अच्छा है, यहाँ पर तोमर को लेना है आपको, यहाँ पर दो प्लेयर हो गया फ्रेंड्स यहाँ पर। हाँ अब आ गए फ्रेंड्स यहाँ पर इस टीम के लेने के प्लेयर, तो हसन को आप ले लीजिएगा। अब आ गए फ्रेंड्स यहाँ पर 3 गेंदबाज है, यहाँ पर देखना कि और कोई भी गेंदबाज एक्स्ट्रा बेस्ट है क्या। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे खास कोई प्लेयर इतना अच्छा नहीं है, तो मियाँ की बात करते हैं इनको भी आप पिक कर सकते हो, और यहाँ पर चाहे तो आप एक बैट्समैन नहीं तो एक ऑलराउंडर को पिक कर सकते हो। तो यहाँ पर मुझे विकेट कीपर भी है फ्रेंड्स, यहाँ पर विकेट कीपर को भी आप पिक कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मुझे किसी प्लेयर की खास परफॉर्मेंस तो नहीं है आपको ऑलरेडी बताया मैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अबरार को ले लीजिए, क्योंकि इनके एवरेज ड्रीम इलेवन पॉइंट्स है यहाँ पर 232। तो देखा जाए तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं टीम आपके सामने बना के रख दिया हूँ, आप कैप्टन और वाइस कैप्टन किस प्लेयर को बनाना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कैप्टन और वाइस कैप्टन में आपको जाना है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते हैं किस प्लेयर को मुझे कैप्टन और वाइस कैप्टन बना जाए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं यहाँ पर वाइजा, और यहाँ पर ऑलराउंडर्स में किसी की परफॉर्मेंस खास नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर बैट्समैन पे जा रहा हूँ वाइजा और अबरार पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं टीम बना के रख चुका हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर विकेट कीपर में मुस्तफ़ा को लिया फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 4 बैट्समैन को लिया, चलिंद्रा अबरार अंकित तिवारी और वाइजा है, और यहाँ पर ऑलराउंडर्स में हेच पटेल SRC है फ्रेंड्स। यहाँ पर गेंदबाजी में हेच हसन मियाँ तोमर और डी सिंह है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स यही है पूरी इन्फॉर्मेशन, एंड आपको एक डाउट आ सकता है फ्रेंड्स अगर इस प्लेयर में कोई भी मिस हो तो मुझे कहाँ पर टीम मिलेगा। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, चलिए फ्रेंड्स आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल, तो फ्रेंड्स 147 सब्सक्राइबर्स है, लेकिन मैच से देखो फ्रेंड्स अभी जो मैच है डुमका डेडेविल्स वर्सेस यहाँ पर सिंगबम स्ट्राइकर्स की मैं टीम भी दे दिया हूँ, और यहाँ पर मैं उसका लिंक भी डाल दिया फ्रेंड्स, आप एक बार जाके भी एक बार पूरे अच्छे से देख सकते हो।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखा जाए तो सारा इन्फॉर्मेशन आपको मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड। अगर वो लिंक ओपन नहीं होता है तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्टार्ट्स पंडित जाके टेलीग्राम पर सर्च कीजिए, 147 सब्सक्राइबर्स है फ्रेंड्स, आप ज्वाइन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखा जाए तो यही पूरी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कॉमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर जाना फ्रेंड्स। थैंक यू एंड विश यू गुड लक टू एवरीवन।